धन्यवाद भैया। मैं अभी शायद हमारा कार्यक्रम अभी लंच के बाद भी चलेगा, तो मैं अपनी पूरी बात वहां पर रखूंगा। यहाँ पर मैं अभी मात्र अपना स्वयं का अनुभव रखना चाहूंगा। निश्चित तौर पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा हमारे सभी साथियों के लिए और साथ ही मेरे लिए भी। इससे मेरी जो समझ है, स्वयं की जो समझ है, उसमें भी थोड़ी थोड़ी और क्लैरिटी आई है, थोड़ी और गहराई आई है। साथ ही हमारे जो कार्यक्रम थे उसमें अभी तक शायद हमारे अस्तित्व को उतना महत्व नहीं था। हम परिवार की बात करते थे, समाज की बात करते थे, अपनी बात करते थे, तो शायद हमें अब अस्तित्व को, प्रकृति को भी जोड़ने की अपने कार्यक्रमों में एक दिशा मिली है। और इस कार्यक्रम का एक और हमारे जो साथी लोग हैं, एक नया विजन भी उसको मिला है कि हम इसको आगे किस तरीके से ले जा सकते हैं। यद्यपि हमारी शुरू में भी कल्पना है कि हम हर गांव में इस तरीके के दो तीन लोगों को तैयार कर सकें जो कि एक समझ के साथ, एक आनंद के साथ, सुख के साथ जी रहे हों, जिससे कि अपने आप यह कार्यक्रम फैले। पहले हम मेरी समझ थी कि शायद बहुत ज्यादा लोगों के साथ इस कार्यक्रम को नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस समझ में भी अब मेरा शायद बदलाव हुआ है इस 5 दिन के कार्यक्रम के साथ, कि हम अधिक लोगों के साथ भी इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। बस हमें माध्यम ढूंढना होगा, साधन ढूंढना होगा, क्योंकि गांव में कनेक्टिविटी की कमी रहती है। तो क्या हम विकास खंड स्तर पर, जहां हमारे ऑडियो वीडियो फैसिलिटी अवेलेबल है, क्या वहां पर उनको ला करके जब कोरोना संक्रमण पूर्ण हो जाता है, तो क्या हम इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। धन्यवाद भैया। जी 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 धन्यवाद भैया। सभी को नमस्कार। मैं भैया 5-7 मिनट ले सकता हूँ? 5 मिनट करीब। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल जी 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 मैंने इसीलिए जल्दी करा, आराम से 10 मिनट भी ले सकते हैं। जी 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 तो मैं वर्ष अक्टूबर 2018 से राज्य आनंद संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, और क्योंकि यहाँ पर एक प्रेरक की भूमिका में हूँ, तो मैं सबसे पहले भैया अपने जो अब मैंने जो अपने स्वयं के अनुभव हैं जो मैंने नई मेरी उस पे थोड़ी सी बात रखूंगा, फिर अपने साथियों के साथ बात। मैं राज्य आनंद संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ अक्टूबर 2018 से, तो थोड़ी बहुत समझ निश्चित तौर पे विकसित हुई थी, क्योंकि प्रेरक की भूमिका में था, तो वो समझ जरूरी भी थी अपने लिए भी और संस्थान के लिए भी। तो मुझ में समझ थी, अनुभव था कि शरीर और जो मैं हैं वो अलग हैं, और यह भी समझ थी कि पैसा, सुविधाएं, सफलता हमारी खुशी के स्थायी आधार नहीं है। यह भी अनुभव में था कि हमें अगर खुश होना है तो सेल्फ पे काम करना पड़ेगा, मैं पे काम करना पड़ेगा, और जब हम मैं पे काम करते हैं तो द्वेष, घृणा, क्रोध, निगेटिव भावनाएं बाहर निकलती हैं, और हमारे अंदर प्रेम, करुणा और ये जो पॉजिटिव जो हमारी फीलिंग्स हैं वो उभर कर आती हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान बहुत सारे क्षेत्रों में मेरी समझ बढ़ी है, मेरी शरीर की जो सीमित आवश्यकता की समझ है वह बढ़ी है, हमारी जो माइंड चैटरिंग के स्रोत हैं, यह तो मालूम था कि हमारे अंदर माइंड चैटरिंग है और वही सारी समस्याओं का कारण है, लेकिन उसके स्रोतों में स्पष्टता आई है, सेल्फ की आवश्यकता में स्पष्टता आई है, मेरी जो सह अस्तित्व की समझ है, उभय सुख और उभय समृद्धि की समझ है, इसमें थोड़ा सा विकसित हुई है समझ। इस पर शायद उतना ध्यान नहीं था। समृद्धि शब्द की नई थोड़ा सा समझ और स्पष्ट हुई है, और प्रस्ताव के रूप में यद्यपि मैं रख रहा था, अब ये भी मेरा आनंद संस्थान में आने के बाद का बदलाव था प्रस्ताव के रूप में अपनी बात रखने का, लेकिन इसमें और स्पष्टता आई है, इसमें और समझ बड़ी है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो मूल है,
और जो कि हमारे सारे कार्यक्रमों का आधार भी बन सकती है कि सामने वाला व्यक्ति भी वास्तव में पहले व्यक्ति की सुखी और समृद्धि चाहता है। यह भाव लाना बहुत जरूरी है और शायद कहीं ना कहीं यह भाव मिसिंग था और हम शायद उसकी जो योग्यता की कमी है उसको इस तरह से देख पा रहे थे कि यह उस व्यक्ति में भाव की कमी है। और जिन 9 भावों पे चर्चा हुई है उन पर भी समझ बड़ी है, स्पष्टता आई है और सह अस्तित्व का जो विषय है उस पर काफी गहराई से चर्चा हुई है, समझ बड़ी है। मैं अपने सभी साथियों का, ये मेरी अपनी समझ के बारे में था, अब मैं थोड़ा सा अपने साथियों की तरफ मुखातिब होना चाहूंगा कि आप लोगों ने 5 दिन का समय जो इस कार्यक्रम के लिए दिया है उसके लिए मैं आपका सभी का आभारी हूँ। साथ ही मैं आभारी हूँ UHV टीम का, AICTE का, जिन्होंने 5 दिन इस कार्यक्रम के लिए दिए। और वास्तव में ये 5 दिन का जो समय हमें दिख रहा है ये पर्दे के सामने दिखने वाला समय, पर्दे के पीछे इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वर्षों की मेहनत, विषय वस्तु को जानना और व्यवहार में लाना जुड़ा हुआ है और इसके लिए मैं हृदय से पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आपने देखा होगा कि इस कार्यक्रम को कितने सहज ढंग से सरल भाषा में हम लोगों तक पहुंचाया गया है। आपने फैसिलिटेटर्स की विषय वस्तु पर गहराई को अनुभव किया होगा और ये भी देखा होगा कि विषय वस्तु ने मानवीय मूल्यों के हर पहलू को टच किया है। हम इतनी पवित्रता के साथ अपनी बात तभी रख पाते हैं जब हम उन मूल्यों को जीवन में उतार लेते हैं, जब हम उन मूल्यों को जीते हैं। और आपने अनुभव किया होगा कि जो हमारे फैसिलिटेटर थे वे वास्तव में उन मूल्यों को जीवन में पूरी तरीके से उतार चुके हैं और जो हम लोग श्रेष्ठ मानव की परिभाषा देख रहे थे शायद सभी लोग उस कैटेगरी में हैं। मैं नहीं समझता हूं कि चर्चा के दौरान आप लोगों के किसी भी प्रश्न या किसी भी शंका का समाधान ना किया गया हो। अगर कहीं प्रश्न को रोका गया होगा तो सिर्फ समय की मर्यादा को ध्यान में रखने के लिए, अन्यथा हमारी सभी की शंकाओं का समाधान करने की पूरी कोशिश की गई। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, आपने अनुभव किया क्योंकि मैं देख रहा था कि हमारे जो साथीगण हैं निश्चित रूप से विभिन्न धाराओं से जुड़े हुए हैं, विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए हैं, विभिन्न विभिन्न तरीकों से अपने को सुखी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बात आपने अनुभव की होगी कि जब भी हम सुख, आनंद, खुशी की बात करते हैं तो बात कहीं से भी शुरू हो या किसी भी धर्म से शुरू करें या कोई भी संस्था शुरू करती है इस बात को, तो बात कहीं से भी शुरू हो, खत्म ये आकर होती है सेल्फ पर, मैं पर, अपने ऊपर। और बिना सेल्फ पर कार्य करे हम सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। सुख के लिए हमें अधिकांश समय सेल्फ पर करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम के दौरान आपको अपनी भूमिका के बारे में भी अधिक स्पष्टता आई होगी। हमें मैं से शुरुआत करके अस्तित्व तक अपनी समझ को बढ़ाना होगा, उसे गहरा करना होगा। यहाँ एक बात देखने वाली है, मैं सभी के लिए इस बात को रेखांकित करना चाहूंगा कि हम इस यात्रा को बिना सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के पूर्ण नहीं कर सकते। हमारे बहुत सारे साथी काफी उत्साह में है, लेकिन जब तक हम इन चीजों को अपने जीवन में नहीं उतार लेते, सबसे पहला काम तो हम अपने में उतारने का करें। हम हमेशा जल्दबाजी में दूसरों को बदलने की फौरन तैयारी कर लेते, लेकिन पहले अपने को तो उसके लिए तैयार करें। और अपने को तैयार करने के लिए मात्र सुनने से काम नहीं होगा, हमें उसे जीवन में उतारना होगा। अगर हम उभय सुख और उभय समृद्धि की दिशा में कार्य कर पाते हैं तभी हम लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे।
और आपने देखा होगा, मैं अक्सर कहता हूं कि जब हम सेल्फ पर कार्य करते हैं तो इनर चैटरिंग कम होती, और वास्तव में यही हर समस्या की जड़ है। और इस कार्यशाला के दौरान भी जो हमारे इनर डिस्टर्बेंसेज हैं, जो हमारे अंदर अंतर्द्वंद है, उस पर बात की गई है, उसको बड़ी गहराई से रेखांकित भी किया गया। और जब वास्तव में हम इस इनर चैटरिंग को कम कर पाते हैं, तभी मान्यता और संवेदना के जो स्रोत हैं वो कम होते हैं, और सहज स्वीकृति का बोध हमें होने लगता है। मैं देख रहा था कि आप लोगों के में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे, शंकाएं उठ रही थी, मेरे अंदर भी बहुत सारे प्रश्न थे जब पहले दिन कार्यशाला शुरू हुई। लेकिन जैसे जैसे कार्यशाला आगे बढ़ी, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिलते चले गए। और इस कार्यशाला के बाद भी जैसे जैसे हम अपनी समझ बढ़ाते जाएंगे, हमें अपने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिलते जाएंगे। बस हमें यह भाव हमेशा रखना पड़ेगा कि हमें सारा ज्ञान नहीं आ गया है, हमें सारी बातें पता नहीं चल गई। क्योंकि जिस दिन हम में यह भाव आ जाएगा कि हमें सब पता चल गया है, उसी दिन हमारा विकास रुक जाएगा, हमारी जो आगे बढ़ने की यात्रा है उस पर विराम लग जाएगा। तो लगातार हम सीखते रहे, और इस यात्रा में राजानंद संस्थान आपके साथ है। वास्तव में इस कार्यशाला का जो मकसद था, वह था कि हम सभी के अंदर एक संवाद की प्रक्रिया को शुरू करें, और आप लोगों की चर्चा से और अभी आप लोगों ने जो अनुभव शेयर करे हैं, उससे यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि आप सभी के अंदर जो संवाद की प्रक्रिया है वह शुरू हो गई। लेकिन यह प्रक्रिया आज इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद खत्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि आज से इस प्रक्रिया की, जैसा कि हमारे हमारे जो फैसिलिटेटर थे, उन्होंने भी इस बात का रेखांकित किया है कि आज से इस प्रक्रिया को और बढ़ाना है, उसको और तेज करना है। इस कार्यक्रम का एक और मकसद है कि हम अपने से बड़ी व्यवस्था, जिसमें हम परिवार, समाज और प्रकृति को देखते हैं, उनको शामिल करते हैं, उसमें अपनी भूमिका तय कर सके, उसके लिए कार्यक्रम तैयार कर सके। आप लोगों में से कुछ ने उस कार्यक्रम के बारे में चर्चा भी की है, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात मैं यहाँ और कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है इसके लिए हमें अलग से किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत। हम जहां भी हैं, जो भी हमारा कार्यस्थल है, हम वहां पे इस बात को छोटी छोटी छोटे छोटे अपने प्रयोगों के माध्यम से इसका प्रसार कर सकते हैं। और राजानंद संस्थान तो एक प्लेटफॉर्म है ही, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज भी एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन इन प्लेटफॉर्म के उपयोग तो बात क्या आएगा, सबसे पहले हम उस प्लेटफॉर्म पर इसका उपयोग करें जहां जो हमारा कार्यस्थल है, जो हमारी कार्यभूमि है। जहां तक राजानंद संस्थान का प्रश्न है, हमारा लक्ष्य जो हमारे विगत वर्ष जो हमने तैयार किया था और इस कार्यशाला के बाद और गहरा हुआ है, हमारा लक्ष्य है कि हम हर ग्राम पंचायत स्तर पर 2-3 ऐसे व्यक्ति तैयार कर सकें जो समझ के साथ जी रहे हों, जो सामंजस्य के साथ जी रहे हों, जो हार्मनी में जी रहे हों, जो व्यवस्था में जी रहे, जो सुखी हों। और मेरा ऐसा मानना है कि बाकी कार्य जो 3 degree ऑफ इन्फ्लुएंस रूल है, जिसकी मैं हमेशा चर्चा करता रहता हूँ, उससे अपने आप हो जाएगा। इस कार्यक्रम से मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है, जैसा मैंने चर्चा किया है पहले, मेरी समझ बढ़ी है, मेरा विजन बढ़ा है, और मेरी कुछ मान्यताएं भी टूटी। मुझे लगता है कि 15 मई के वेबिनार से हमारे UHV और AICT के बीच जो संवाद की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें और प्रगाढ़ता आई है, उसमें और गहराई आई है इस कार्यशाला के दौरान। मुझे उम्मीद है कि हम सभी मिलकर एक सुखी समाज, अखंड समाज के निर्माण में अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभा पाएंगे। अंत में मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहूँगा
रजनीश जी का, कुमार संभव जी का, रोमानी जी का, आलोक जी का, दिलताज जी का, पारिक्षित जी का, राघवेंद्र जी का, उपासना जी का, मोतीचंद जी का, जितेंद्र जी का, और उन सभी लोगों का जिनके मैं नाम नहीं ले सका या जिनके नाम मुझे मालूम नहीं है, जो जो कि इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, इस टीम से जुड़े हुए हैं, मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिल से उनको नमन करता हूँ, धन्यवाद। निसंदेह ये राजाना संस्थान बहुत धन्यवाद देना चाहता है यूएचयू टीम को कि उन्होंने पूरे मनोयोग से इस कार्यशाला को आयोजित किया। हालांकि मैं इसको पहले भी अटेंड कर चुका था और उसके बाद मुझे लगता था कि शायद इतनी जल्दी आप लोगों के लिए इसको करना कठिन होगा, फिर भी आपके टीम ने, आपके फैसिलिटेटर्स ने इस कार्यशाला को इतने शीघ्रता के साथ में और इतने अच्छे तरीके से और हमारे लगभग 150 पार्टिसिपेंट्स के साथ इस कार्यशाला को किया। निसंदेह इससे मध्य प्रदेश में एक बड़ा नेटवर्क बनेगा और राजाना संस्थान की गतिविधियां जैसे कि पूरे 52 जिलों में चल रही हैं। अब इस फीडबैक के साथ, इस नई सोच के साथ, इस नए विचार के साथ राजाना संस्थान अपने कार्यक्रम में निश्चित रूप से कुछ बदलाव करेगा और हम एक टीम, ऐसे लोग जो अभी जैसा कि सभी लोग अपनी बात को शेयर कर रहे थे, हमारे पास में ये डेडिकेटेड और समर्पित टीम रहेगी तो मुझे लगता है कि इन मूल्यों को, ये सही समझ की बात को और जो बहुत सारे लॉजिकल जो हमारी एक व्यवस्था है उसके माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को छू पाएंगे और हम लोग सभी चारों स्तरों पर एक बेहतर काम करने की भूमिका राजाना संस्थान शीघ्र तय करेगा और इसको आगे ले जाने के लिए हम लोग निरंतर अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे और हमारे कार्यपालन अधिकारी भी इस बात को लेकर के काफी उत्सुक हैं। हम निश्चित रूप से इसकी कार्य योजना बना करके इन चीजों को आगे लेकर के जाएंगे, ऐसा तो हम निश्चित रूप से आश्वस्त करते हैं। ये कार्यशाला हमारे सबके लिए, हमारे सभी साथियों के लिए बेहद बेहद उपयोगी रही है। सब लोग अपना फीडबैक दे चुके हैं इसलिए उन बिंदुओं पर जाके बात करने का मुझे नहीं लगता कि अब कोई औचित्य है। समय सभी के लिए महत्वपूर्ण है पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये कार्यशाला हम लोगों को इन कार्यक्रमों को आगे ले जाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए, गांव गांव तक ले जाने के लिए हमारे लिए बहुत उपयोगी रही है और हमारे पास इस टीम का निर्माण हुआ है और टीम के माध्यम से हम इन कार्यक्रमों को बहुत शीघ्र ही आगे लेकर के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, सभी को नमस्ते और मुझे बड़ी खुशी है कि भैया आप सुन पा रहे हैं ना मुझे। जी जी भैया, बिल्कुल जी जी। मुझे बड़ी खुशी है कि मध्य प्रदेश में राजानंद संस्थान के साथ मिलके यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू की एक कार्यशाला हम लोगों ने 5 दिन की पूरी अच्छे से आयोजित की और इन सब में जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि जितने प्रतिभागी हैं, जितने भी लोगों ने इसको अटेंड किया है, उन सभी के विचार भी मैंने सुने। आज सवेरे का कार्यक्रम में नहीं सुन पाया था, कुछ एक पहले से मेरा अपॉइंटमेंट था जिसको मेरे को ऑनर करना जरूरी था, पर दोपहर वाली जो पूरे सारे लोगों की जो फीडबैक सुनी है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो हम वाकई चाह रहे थे, जो पहली प्रयोग हमने वर्कशॉप की थी उससे भी जो फीडबैक मिला था और आगे का कार्य करने का, पूरे मध्य प्रदेश में राजानंद संस्थान के माध्यम से सभी लोगों के मन में पूरे मध्य प्रदेश का आनंद का लेवल बढ़ाने के लिए और उन्हीं में ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, जैसा अभी हाल आपने अर्गल साहब को आपने सुना कितने ध्यान से 5 दिन, मैंने भी बराबर देखा है वो पूरे टाइम उन्होंने भी अटेंड किया है, इंद्रपाल जी ने भी अटेंड किया है, इंद्रपाल जी पिछली बार भी कर पाए थे पूरा, तो सवेरे से शाम तक
जब ये पूरी चर्चा होती है तो उसको हटने का मन भी नहीं करता है, नहीं तो कई प्रयोगशालाएं में भी मतलब एक टीचर के रूप में सबसे पहले शामिल होते होते और वाइस चांसलर तक पहुंचा था, तो मैं सब मन स्थिति समझता हूं कि किसी भी प्रयोगशाला में बांध के रखना बड़ा मुश्किल होता है, परंतु इस प्रयोगशाला में चूंकि अपने स्वयं के लिए ही सारी चीजें होती है, स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए, और मैं तो कई वर्कशॉप अटेंड कर चुका हूं और रोज सुबह 5:30 बजे भी हम लोग, राजुल भैया भी यहां पे हैं, और हम लोग जो है सुबह 5:30 से 7:30 जो है वो कंटिन्यूस इसी विषय पे हम चर्चा करते भी हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हम मध्य प्रदेश में इसका एक बार कई लोगों के साथ ये वर्कशॉप कर चुके हैं, तो अब हम लोगों में से ही, मध्य प्रदेश के लोगों में से ही कुछ रिसोर्स पर्सन हमको अपने आप में तैयार भी करना है, और उसके लिए जैसा अखिलेश जी ने बोला, बहुत क्लियर बोला, कि जब तक ये चीज स्वयं में अपने जीने में नहीं उतार पाएंगे, जितने अच्छे से जितने यहाँ के फैसिलिटेटर्स हैं, चाहे वो कुमार भैया से आपने सुना हो, दिलशाद भैया से, राघवेन जी से, आलोक जी से, सारे जितने जितने लोगों से आपने सुना, आपने बिल्कुल पाया होगा जो मैंने डे वन पे भी बोला था कि इतने सहज रूप से और इतने विषय वस्तु की गहराई के साथ जिस ढंग से हम लोगों को ये वर्कशॉप पूरी करते हैं वो वाकई काबिले तारीफ है, और वही चीज यदि जीवन में हम अपने में उतार लेते हैं तो हम पूरे मध्य प्रदेश में इस चीज को फैला सकेंगे, और ये दिन दूर नहीं रहेगा जब हम ये गर्व से कहेंगे कि मध्य प्रदेश जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ज्यादा आगे है, और वो सिर्फ हमारे ऊपर, स्वयं के ऊपर कार्य करने पे ही निर्भर करता है। तो मेरी सिर्फ एक ही आशा है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का वासी हूँ, इसलिए मुझे हमेशा से लगता रहा है कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के जो गूढ़ चीजें हैं और हम लोग उसको इतने शांति से, सहज भाव से समझ पाए हैं, और उसी को हम यदि सब लोगों के बीच में, अपने आसपास के सब लोगों को, जितने हमसे परिचित हैं, हमने कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में तो AICT के माध्यम से हम पहुंच ही पाए हैं, बच्चों के बीच में भी ये काम पूरा चल रहा है, परंतु यदि ये जन जन के साथ में इसका फैलाव होगा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, और मैं तो इसके लिए बिल्कुल कटिबद्ध हूँ, और मैं अखिलेश जी और इंद्रपाल जी के साथ बात करके और हम आगे के पूरे प्लान को ऐसा करेंगे जिससे कि हम पूरे देश में, राज्य में, विलेज में और सब दूर, हम जहां तक हमारी पहुंच हो सकती है हम वहां पहुंचे। आप सभी का मेरी ओर से धन्यवाद, पूरे परिवार की ओर से धन्यवाद, और मैं यही चाहूंगा कि इसको हम जीवन में साथ में लाएं और आगे ऐसा बने कि हम खुद फैसिलिटेटर बन के और इसको सब दूर पहुंचा पाए। धन्यवाद भैया।